गाइस वेलकम बैक टू दी अंदर वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सब, होपली आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार बेसिकली आज की वीडियो में फिर से हम लोग आ चुके हैं राइस्टार कैमरा एंगल चेंज के देखते हैं। एंड यार भाई राइस्टार का गेम प्ले इतना ज्यादा हाई लेवल की हुए, तो बेसिकली गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। तो गाइस यार अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लेना। एंड गाइस यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि यार मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जितनी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस यार, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही स्मॉल लेवल पर हैं गाइस यार। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो गाइस यार हम लोग आगे जा सकते हैं गाइस यार। एंड यार मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई टिप्स है रिलेटेड या टॉपिक या फिर कोई भी डाउट रहता है तो गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए एंड यार उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस यार आई होप कि आप लोग समझ गए रहेंगे। सो गाइस यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर के। तो देखो गाइस यार बेसिकली मैंने आप लोगों को उस वीडियो में, जबकि दोनों वीडियो में बताया था कि गाइस यार सारे रूल्स बता दिए थे जिस तरीके से आप लोगों को फास्टेस्ट मूवमेंट कर सकते हो गाइस यार। एंड यार इजीली तरीके से अपना गेम प्ले हाई लेवल का कर सकते हो बिल्कुल राइस्टार भाई की तरीके से। देखो गाइस यार बेसिकली मैं आपको वीडियो में इस वीडियो में बता रहा हूँ कि गाइस यार बेसिकली देखो अगर हाई लेवल का आप लोगों को खेलना ना तो आप लोगों की जो सेंसिटिविटी होती है गाइस यार काफ़ी हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए। एंड यार आप लोगों को हमेशा ट्राई करना कि आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी पे खेलने के लिए। एंड यार अगर आप लोगों का, देखो यार इसमें डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों का जो फोन है लैग करता है या नहीं करता है। देखो गाइस यार बेसिकली अगर आपका फोन अगर हल्का फुल्का लैग भी करता है ना, फिर भी गाइस यार आप लोगों को फ्री फायर की जो सेंसिटिविटी है ना गाइस यार उसको हाई ही रखनी है। एंड यार अदरवाइज अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार मतलब सेंसिटिविटी को हाई करके भी नहीं अगर आपका मूवमेंट में, तो आप लोग डीपीआई का यूज़ करते हो। देखो मैं रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि आप लोग डीपीआई करो, ऑलमोस्ट अगर आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो फास्टली मूवमेंट करने के लिए। तो गाइस यार बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, एंड यार आप लोगों को जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि गाइस यार आप लोगों को हमेशा गाइस यार अगर फास्टली मूवमेंट दिखाना है ना गाइस यार, तो आप लोगों को हमेशा अपने डिस्प्ले पे यार अपने मतलब टच करते रहना फिंगर से, आपको अपना फिंगर जो कि है हटाना नहीं है। एंड यार जो कि ऑब्जर्व में जो बंदा रहेगा ना एक ओपी लेवल का गेम प्ले आप लोगों का दिखाई देगा बिल्कुल राइस्टार भाई की तरीके से। एंड यार कभी कभी तो ऐसा होता है ना पूरी तरीके से अगर आप लोग जब हाई मूवमेंट करने लगते हो तो आपका जो फोन है गाइस यार लैग करने लगता है, मतलब आपका जो फोन बेसिकली नहीं लैग करेगा बट जो ऑब्जर्व में बंदा रहेगा गाइस यार उसका फोन पूरी तरीके से लैग करते हुए दिखाई देगा। यानी कि बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जितना हाई लेवल का मूवमेंट करते हो ना गाइस यार उतना ज्यादा उस बंदे का ऑब्जर्व में जो बंदा रहेगा उसका लैग करते हुए फोन दिखेगा। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए रहेंगे। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो देखो गाइस यार बेसिकली अगर आप लोग जब यार रैंक या कोई भी गेम प्ले करते हो तो गाइस यार आप लोगों को ये ध्यान देना कि आप लोगों के पास एक करेक्टर स्किल जो कि होना ही चाहिए जिसका नाम है केली। गाइस यार आप लोगों को हमेशा केली करेक्टर का यूज़ करते रहना है। एंड यार आप लोगों को मैं बता दूं कि केली बेसिकली यार आप लोगों का 40% तक इंक्रीज़ कर देता है मूवमेंट जो कि आप लोगों को यूज़ करना है। एंड यार बात कर लीजिए कस्टम की, तो कस्टम के अंदर आप लोगों को केली एंड जोशप आप लोगों को दोनों करेक्टर यूज़ करना ही है। तो गाइस यार जिससे यार आप लोगों का एक हाई लेवल का मूवमेंट बढ़ेगा। एंड यार आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, एंड यार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अपने फिंगर को आपको हमेशा अपने स्क्रीन पे रोटेट करते रहना, मतलब यार लेफ्ट या राइट की तरफ से रोटेट करते रहना। एंड यार आप लोगों को जितना हो सके उतना जॉयस्टिक का जितना अवॉइड कर सको उतना ज़्यादा अवॉइड करना सीख लो गाइस यार। एंड यार अगर आप लोग सीख जाते हो कि जॉयस्टिक को जितना अवॉइड करना है एंड यार उससे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का मूवमेंट हाई लेवल का जाएगा। एंड यार मैं बेशक बता रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम ओपी लेवल का गेम प्ले बन जाएगा। सो गाइस यार आई होप कि आप सब ये सारी चीज़ें समझ गए रहेंगे। एंड यार अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो आप लोग जाके मेरे दोनों पार्ट को देख सकते हो। एंड यार बेसिकली अगर आप लोग जब दोनों पार्ट को ऑब्जर्व करोगे ना गाइस यार, तो वाकई मैं बता रहा हूँ कि गाइस यार आप लोग एक ओपी लेवल का मूवमेंट करना सीख जाओगे बिल्कुल राइस्टार भाई की तरफ। तो चलते हैं भाई, बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड यार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।